चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज के सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टर और काम की खबरों को केवल एक वीडियो में। बता दें कि अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, साथ ही सभी 75 जिलों की यूपी की महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आज मंगलवार है, जो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करे, हनुमान जी सदा उस पर कृपा बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना है। यूपी के इन लोगों को अब मुफ्त आवास देगी यूपी की भाजपा सरकार। प्रयागराज में सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने समाज के पिछड़े लोगों को मुफ्त आवास देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है, और जिन अनुसूचित जाति के परिवार के पास अपना आशियाना नहीं है, सरकार उनको तत्काल आवास उपलब्ध करवाएगी। सीएम योगी प्रयागराज के सोराव में 3357 करोड़ की लागत से 424 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद अनुसूचित जातियों के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। दोस्तों आपको आवास मिला या नहीं, कमेंट जरूर करें। विंध्याचल को सीएम योगी की बड़ी सौगात। विंध्यवासिनी के नाम पर बनेगा विश्वविद्यालय, दिसंबर में कॉरिडोर का लोकार्पण संभव। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल पहुंचे। विंध्य क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी और अपनी कुल देवी मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर पूजन किए। मुख्यमंत्री ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्य का अवलोकन भी किया। दर्शन पूजन के बाद आयोजन सभा में सीएम योगी ने कहा कि कॉरिडोर का निर्माण रोजगार को नई दिशा देगा। मिर्जापुर आने वाले समय में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की शीघ्र स्थापना की जाएगी। मां विंध्यवासिनी के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। अकेले अष्टमी को 3.5 लाख भक्तों ने मां के दर्शन किए। यह दर्शाता है कि सुविधाएं और कनेक्टिविटी बढ़ी है। मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यूपी में अखिलेश ने पूरी की पीडीए साइकिल यात्रा। बोले 2024 में सरकार बनने पर अग्निवीर व्यवस्था होगी समाप्त। जी हां, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपा सरकार बनने पर सेना में अग्निवीर व्यवस्था समाप्त की जाएगी। वह समाजवादी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक साइकिल यात्रा के समापन के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों पीडीए का जो फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। आपको बता दें करीब 15 किलोमीटर की यात्रा सुल्तानपुर रोड स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोमती नगर के जनेश्वर मिश्र पार्क तक निकाली गई। अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का पालन नहीं कर रही है। अगर सीमा पर 2024 में उनकी सरकार बनी तो अग्निवीर व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। योगी सरकार सुरक्षा पे सख्त है। 21,000 से अधिक सिटी बसें ओला उबर सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से होंगे लैस। जी हां, आपको बताने की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के साथ बुजुर्गों की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त है। सरकार सुरक्षा पुख्ता कराने के लिए कुल 21,155 बसों ओला ऊबर को सीसीटीवी कैमरे संग पैनिक बटन से लैस करेगी। ऐसे वाहन चिन्हित कर लिए गए हैं। यह वाहन 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर के हैं। इनमें परिवहन विभाग की 1235 सिटी बसें, 9,840 ओला, 1,122 ऊबर और 8,958 अन्य प्राइवेट वाहन शामिल हैं। इनमें से परिवहन विभाग की 700 बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगा दिए गए हैं। साथ ही इन्हें यूपी 112 से इंटीग्रेट भी कर दिया गया है, जबकि ओला उबर और अन्य प्राइवेट वाहन सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगाने की कार्रवाई तेजी से कर रहे हैं। सीएम योगी पहुंचे अमेठी। एसएलएमजी कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का किया उद्घाटन। स्मृति ईरानी समेत कई मंत्री रहे मौजूद। जी हां, आपको बताने के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया त्रिशुंडी में 900 करोड़ की लागत से बनी कोको कोला बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी शामिल थीं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी के प्रयास से अमेठी को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है, जहां 900 करोड़ की लागत से बने इस एलएमजी कोको कोला बॉटलिंग प्लांट का सीएम ने उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक के प्रसारित बयान पर भाकियों में आक्रोश। भाकियों ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र, नंद किशोर गुर्जर के बयान की जांच करने की मांग। दरअसल भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को लेकर बयान इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। प्रसारित बयान में राकेश टिकैत के एनकाउंटर संबंधित बात कही गई है, इससे भाकियों में आक्रोश है। इंटरनेट मीडिया पर भाकियों पदाधिकारियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी भेजा गया है। इसमें प्रसारित वीडियो बयान की जांच करने और भाजपा विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। 5 जनवरी के बाद भी जुड़वा सकेंगे नाम।
जी हाँ, आपको बताने की उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है कि शुरू हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में 1 करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। रिणवा ने कहा कि विपक्षी दलों की आपत्ति का समाधान करने के लिए पुनरीक्षण अभियान में हर महीने मतदाता सूची में जोड़े और हटाए गए मतदाताओं के नाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा, तब तक जिसको भी अपना नाम जुड़वाना है जुड़वा लें। आजम खान का एनकाउंटर हुआ तो देश में क्या होगा, कल्पना नहीं कर सकते, सपा महासचिव राम गोपाल यादव का बड़ा बयान। दरअसल आजम खान को मिली 7 साल की सजा को लेकर अब सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राम गोपाल यादव ने कहा कि आजम खान के साथ जो हो रहा है अभी तक किसी राजनेता के साथ नहीं हुआ होगा। आजम को सजा के बाद पहले रामपुर जेल, फिर अगले ही दिन सीतापुर जेल भेज दिया गया था। इस दौरान आजम ने अपने एनकाउंटर की आशंका जताई थी। इस पर राम गोपाल यादव ने कहा, आजम खान का एनकाउंटर हुआ तो देश में क्या होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। राम गोपाल यादव सोमवार को इटावा में पत्रकारों से बात कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने यह बातें कही। यूपी में काला नमक धान का रकबा जानने को पहली बार सैटेलाइट सर्वेक्षण, ICARA, IIR हैदराबाद और PRDF की पहल, गोरखपुर समेत 11 जिलों में तैयारी। जी हां, आपको बताने की पहली बार काला नमक धान का वास्तविक रकबा जानने के लिए सैटेलाइट सर्वेक्षण होगा, ताकि गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर समेत 11 जिलों में काला नमक धान का वास्तविक सर्वेक्षण किया जा सके। यह सर्वेक्षण भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि शोध संस्थान करवाएगा। फिलहाल अभी सिर्फ गोरखपुर, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में सर्वेक्षण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा की तरह यूपी में एक और बसेगा औद्योगिक शहर, सीएम योगी ने कर दी बड़ी घोषणा। जी हां, योगी सरकार नोएडा की तरह यूपी में एक और औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी में है। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर अमेठी में घोषणा की। सीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनलैंड वाटर अथॉरिटी का गठन किए जाने की भी घोषणा की। सीएम ने कानपुर से झांसी के बीच 38,000 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक शहर की स्थापना की भी घोषणा कर दी। योगी सरकार ने कहा कि पहली सरकारों में विकास का एजेंडा नहीं था और जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का कार्य करते थे। उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद के बेटे को भर्ती न करने वाले डॉक्टर हटे, निदेशक को चेतावनी, कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंपी। जी हां, आपको बताने की बीजेपी के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र के बेटे को PGI में इलाज न मिलने से चल बसने के मामले में डिप्टी सीएम के निर्देश पर इमरजेंसी में पूर्व सांसद को भर्ती न करने वाले डॉक्टर को हटा दिया गया। डिप्टी सीएम ने मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराकर रिपोर्ट तलब किया है। PGI निदेशक को दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने की कड़ी चेतावनी दी है। वहीं जांच कमेटी ने मामले की जांच रिपोर्ट संस्थान निदेशक को सौंप दी। अखिलेश की PDA यात्रा पर कांग्रेस का तंज, सत्ता में रहते पिछड़ों के लिए काम नहीं किया, अब यात्राएं निकाल रहे हैं। जी हां, आपको बताने की कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष ने अखिलेश यादव की PDA यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सत्ता में रहते हुए भी पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति के लिए काम नहीं कर पाए। आपके कार्यकाल में लोगों को कहीं न कहीं खोट नजर आएगा। आपको जो काम करने चाहिए थे वो आप नहीं कर पाए, उसके लिए आप वो यात्राएं निकाल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और लोगों के बीच जाकर उन्हें लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अब जनता बेहद बारीकी के साथ सब पर नजर रख रही है। यूपी में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह केस की सुनवाई टली, मुस्लिम पक्ष की SLP पर सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर को होगी सुनवाई। जी हां, आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष द्वारा सभी मामलों की मथुरा कोर्ट में सुनवाई करने की मांग को लेकर दाखिल की गई SLP पर अब 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। इस दौरान हिंदू पक्ष कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आपत्ति दर्ज कराएगा। शाही ईदगाह कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई SLP में न्यायालय में चल रहे वादों की सुनवाई मथुरा कोर्ट में करने की मांग की, यानी कि दोस्तों जो भी इससे संबंधित केस हैं सबको एक ही कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। मुजफ्फरनगर में बच्चों को स्टूडेंट से पिटवाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित, यूपी सरकार ने कहा जाँच पूरी। दरअसल मुजफ्फरनगर के स्कूल में बच्चे को विद्यार्थी से पिटवाने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बच्चे का भविष्य को लेकर चिंतित हैं, यूपी सरकार से कहा मामले में जुवेनाइल एक्ट सेक्शन 75 भी जोड़ने के लिए तेजी से काम करें। इस दौरान यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा मामले की जाँच पूरी हो चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुवेनाइल एक्ट सेक्शन 75 भी इस मामले में जोड़ दिया जाए।
यूपी के हरदोई में बड़ी घटना, पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, एक ही परिवार के 5 लोग चल बसे। जी हां, आपको बताने की बड़ी अपडेट आ रही है हरदोई से। हरदोई के सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बिल्हौर कटरा मार्ग पर खमरिया मोड़ के पास सोमवार रात करीब 10 बजे अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। घटना में 4 साल के बच्चे समेत 5 लोग चल बसे हैं। आपको बताने की इसकी जानकारी होते ही SP SSP और कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार में मिले मोबाइल की मदद से परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। यूपी में निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए 1 नवंबर से विशेष अभियान। विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश, अभियान की साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्ट मुख्यालय को कराई जाएगी उपलब्ध। जी हां, आपको बताने की उत्तर प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए योगी सरकार 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने जा रही है। इसको लेकर योगी सरकार ने अभियान की समीक्षा बैठक में निराश्रित गोवंश के लिए पर्याप्त गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना करने और गोवंश के भरण पोषण के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ गौ संरक्षण केंद्रों पर नंदी के लिए अलग शेड की व्यवस्था करने को कहा। इससे लोगों को आवारा पशुओं से भी राहत मिलेगी। यूपी में दिन दहाड़े बीटेक छात्रा से लूट का वीडियो, मोबाइल पर झपट्टा मारा, ऑटो से खींचकर सड़क पर घसीटा, 9 घंटे बाद पुलिस ने लुटेरे को किया ढेर। जी हां, आपको बता दें कि गाजियाबाद में इंजीनियरिंग छात्रा कीर्ति से मोबाइल लूटने वाला बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दोस्तों, वैसे तो मोबाइल चोरी करना उतना भी बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों चोरी के दौरान चोर कितने बड़े बड़े घटना कर जाते हैं आपको पता होगा। तो चोर ने मोबाइल पे झपट्टा मारा था और इस दौरान खबर आ रही है कि छात्रा के इलाज के दौरान वो चल बसी है। कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। यूपी में आज काशी आएंगे सीएम योगी, पीएम आगमन की तैयारियों की करेंगे समीक्षा, फुलवरिया 4 लेन का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के नवंबर में प्रस्तावित काशी दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मंगलवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान वे विकास कार्यों का और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जन प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक कर वाराणसी के विकास पर फीडबैक भी लेंगे। मंगलवार की रात वे फुलवरिया 4 लेन सहित पीएम मोदी के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। केरल की घटना के बाद ताजमहल की बढ़ाई गई सुरक्षा, तलाशी के बाद पर्यटकों को दिया जा रहा प्रवेश, SCP बोले पुलिस पूरी तरह अलर्ट। दरअसल केरल में हुई घटना के बाद यूपी समेत आगरा में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल पर तैनात सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के साथ हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। येलो जोन से लेकर रेड जोन तक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सघन चेकिंग के बाद ही ताजमहल में आने वाले पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा है। अभद्र टिप्पणी केस में अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ वारंट, आजम खान व सपा सांसद एसटी हसन भी हैं आरोपी। जी हां दोस्तों, अभद्र टिप्पणी मामले में अभिनेत्री व रामपुर के पूर्व सांसद जया प्रदा भी कोर्ट में पेश नहीं हुई। इसके बाद केस की सुनवाई टाल दी गई। उनके वकील की ओर से प्रार्थना पत्र देकर जया प्रदा के बीमार होने की बात और सुनवाई के लिए समय की मांग की है। अदालत ने सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय करते हुए जया प्रदा के खिलाफ समन जारी कर उन्हें तलब किया है। उत्तर प्रदेश में एम्स में नर्स समेत अलग अलग कैटेगरी के 142 पदों पर भर्ती, जानिए क्या है आवेदन की शर्तें। जी हां, आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सकों के बाद अब कर्मचारियों के भी स्थायी नियुक्ति के दरवाजे खुल गए हैं। एम्स प्रशासन ने पहली बार कर्मचारियों के भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। करीब 16 श्रेणियों में 142 पदों पर भर्ती के लिए एम्स प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की बात कही गई है। 21 नवंबर तक आप इसे ऑनलाइन आवेदन emsgorakhpur.edu.in पर जाकर कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बनारस में रेलवे में निकली बम्पर भर्ती, 10वीं पास के लिए है जानी योग्यता और सैलरी। दरअसल बनारस लोकोमोटिव वर्क द्वारा अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं blw.indianrailways.gov.in पर। आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2023 है। कुल पद 374 हैं। 100 रुपए फीस देनी होगी OBC और जनरल को, बाकी के लिए मुफ्त। यूपी में जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन कब्जा केस की सुनवाई 16 को, यतीम खाना प्रकरण सुनने के लिए अगली तारीख मिली। जी हां, आपको बताने की सपा नेता आजम खान से जुड़े यतीम खाना बस्ती को खाली कराने के 4 मामलों की सुनवाई अब 7 नवंबर को होगी। सोमवार को एक अधिवक्ता के चल बसने के कारण, न्यायिक कार्य नहीं होने के कारण इसकी सुनवाई नहीं हो सकी।
सपा शासन में यतीम खाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट व चोरी के आरोप बस्ती वालों ने लगाए थे। कोई रिश्वत मांगे उत्तर प्रदेश में तो विजिलेंस से करें कंप्लेन। विजिलेंस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। एसएसपी बोले शिकायत करें, हम तुरंत लेंगे एक्शन। जी हाँ, अगर आप भी किसी सरकारी विभाग के अफसर या कर्मचारी के भ्रष्टाचार से परेशान हैं या फिर आपसे किसी काम के लिए रिश्वत मांगा जा रहा है तो इसके लिए आप डायरेक्ट विजिलेंस से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए विजिलेंस विभाग गोरखपुर यूनिट की ओर से नंबर जारी किया है। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत हेल्पलाइन नंबर 9454418666 पे कॉल करके या फिर विजिलेंस विभाग गोरखपुर मुख्यालय पर लिखित शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह प्रत्येक जिले के लिए है। यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बांदा पहुंचे, नारी वंदन कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले अखिलेश की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बांदा पहुंचे, यहां नारी वंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद में पहला बिल नारी शक्ति के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर पास किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि जनता बेईमानों को पहचान चुकी है। वहीं प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में 300 सीटें पार होगी। दोस्तों, क्या लगता है इस बार बीजेपी या इंडिया गठबंधन जीतेगा, कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश बिहार के लिए चलेंगी 25 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें, लगाए जा रहे अतिरिक्त कोच। जी हां, आपको बता दें कि दीपावली और छठ पूजा पर त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें अतिरिक्त रेल कोच लगाए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे की 25 जोड़ी से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें कैंट, बनारस स्टेशन और वाराणसी सिटी स्टेशन से होकर गुजरेगी, जो कि नई दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और बेंगलुरु तक जाएगी। उत्तर प्रदेश में त्योहारों में बकायेदारों के नहीं काटे लाइन, योगी के फरमान से बकाया वसूली की चुनौती। जी हां, आपको बताने की शहर के घरेलू बिजली बिल बकायेदारों को चेयरमैन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने राहत दी है। अब त्योहारों तक इनकी बिजली नहीं कटेगी, हालांकि व्यवसायिक बकायेदारों को राहत नहीं मिलेगी। इधर ऐसे उपभोक्ताओं के बिना बिजली काटे उनसे बकाया वसूली अभियंताओं के लिए चुनौती बन गई है। उनका कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समीक्षा में वसूली के लिए लगातार दबाव बनाया जाता है, लेकिन ऐसे बकायेदारों से बिजली बिल कैसे जमा करवाया जाए। उत्तर प्रदेश में विधायक अंजुला के खिलाफ दर्ज परिवाद में अब 27 नवंबर को सुनवाई, फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप। जी हां, आपको बता दें कि भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशवदेव गौतम द्वारा हाथरस सदर विधायक अंजुला माहौर के जाति प्रमाण पत्र के फर्जी होने का आरोप लगाते हुए MP MLA कोर्ट में दर्ज कराए गए परिवाद में अब 27 नवंबर को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता मदरसों और छात्रवृत्ति में गड़बड़ी की होगी उच्च स्तरीय जांच, मंत्री ने दिए बड़ा आदेश। जी हां, आपको बताने की यूपी में बिना मान्यता चल रहे मदरसों और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच होगी। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में हजारों की संख्या में बिना किसी वैध मान्यता के मदरसे चल रहे हैं। SIT मदरसों को मिल रहे विदेशी फंड की भी जांच कर रही है। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए आवेदन करने वाले 14,000 छात्र फर्जी मिले हैं। यूपी में वाल्मीकि आश्रम पर जाने के लिए बनेगा रोपवे, प्रयागराज के अनुसूचित जाति महासम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में अनुसूचित जाति महासम्मेलन में करीब 23 मिनट तक संबोधित किया। इसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के महापुरुषों व साधु संतों का नाम लिया। मंच से उन्होंने घोषणा किया कि वह चित्रकूट के लालापुर में स्थित वाल्मीकि आश्रम में रोपवे का निर्माण कराएंगे, ताकि प्रयाग ही राज नहीं बल्कि दूसरे शहरों में आने वाले लोग भी वहां आसानी से पहुंच सकें। उनकी इस घोषणा पर पंडाल में बैठे लोगों ने स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में अब्बास अंसारी की VC से हुई पेशी तो वहीं आरोपी उमर अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का दिया गया आदेश। जी हां, आपको बताने की बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी के कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। हाजिरी के लिए अगली तिथि 6 नवंबर नियत किया है। साथ ही इसी मामले में आरोपी उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए धारा 83 CRPC के तहत आदेश दिया गया। यूपी के इस जिले में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए फेरबदल, SP ने 2 निरीक्षक सहित 60 दरगाहों की तैनाती में किया फेरबदल। जी हां, आपको बताने की जनपद मैनपुरी में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए SP ने देर शाम पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल कर दिया। जिले में 2 निरीक्षक सहित 60 दरोगाओं को इधर से उधर कर दिया। शासन के निर्देश के अनुसार जनपद में 3 वर्षों से अधिक समय से जमे कई निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को जनपद से रवानगी करते हुए अन्य जनपदों के लिए भेज दिया गया है।
यूपी के आजमगढ़ में माफिया मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी 26 अक्टूबर को हुई थी 12वें गवाह की गवाही। मजदूर कांड में आरोपी है मुख्तार। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट में मजदूर को मारने में माफिया मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी होगी। इससे पूर्व 26 अक्टूबर को 12वें गवाह की गवाही हुई। मुख्तार अंसारी की पेशी के दौरान न कोई शिकायत न कोई रिमांड रही। अब इस मामले में आज सुनवाई होगी और गैंगस्टर को लेकर भी उसी दिन तारीख पड़ी है। ज्ञानवापी में डीएम को तहखाने की सुपुर्दगी पर सुनवाई आज। तहखाने पर अधिकार को दाखिल बात पर जिला जज दे सकते हैं फैसला। जी हां, आपको बताने की वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में सौंपने को लेकर वाद की सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई मंगलवार यानी आज 31 अक्टूबर को होगी। व्यास जी के पौत्र शैलेंद्र व्यास की याचिका पर जिला जज दोनों पक्षों की दलील सुनेंगे। इसमें कहा गया है कि जो ज्ञानवापी परिसर का व्यास जी का तहखाना है उसकी जिम्मेदारी डीएम को दे दी जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें। यूपी ऐसे रोज की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें।